हो गया आप निकल जाएगी सही पकड़े बाबू के तो वहाँ ले जाइए तो गाइस ये देखो अंधेरा हो गया है थोड़ा सा गाइस कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई मंदिर आज तो आंटी इंतजार कर रही हैं तो गाइस आरती संपन्न होने के बाद अभी जा रही हूँ मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर भोलेनाथ जी के और ये अभी सुशील लेकर मतलब नानी को चल रहा है नानी सही से अभी चल नहीं पाती हैं तो ये राहुल भैया की नानी जी हैं तो दर्शन करने हम लोग अब मंदिर में जा रहे हैं मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है यार बहुत ज़्यादा आज शाम के टाइम मैंने कभी आई नहीं थी आरती कभी भी मुझे मिली नहीं थी इससे पहले यहीं पे रहती हूँ सोचो अरे यार मैं तब भी कभी नहीं मुझे आरती मिली बट आज फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ की आरती मिली है बहुत ही मज़ा आ रहा है सच में गाइस बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ मैं एंड गाइस आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और हम लोग जबकि सोचे थे सुबह नहीं जाएंगे क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होगी शाम को चलेंगे शायद कम भीड़ होगी बट गाइस आपने देखा ना शाम को महादेव की जो आरती है ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो उसी भीड़ में ही मुझे पूजा करनी पड़ रही है बस जल्दी से मैं कर ले रही हूँ चलो मुझे दर्शन मिल गए फाइनली महादेव जी के तो बस जल्दी से कर ली मैंने पूजा अपनी और अभी शायद आंटी जा रही है प्रसाद चढ़ाने के लिए तो ये आंटी है आंटी भी प्रसाद चढ़ा लें फिर हम लोग निकलेंगे मंदिर से तो अभी गाइस मैं शिवालय से बाहर आ गई हूँ और अभी हमें मंदिर से मतलब मंदिर से मैं अब घर की तरफ बढ़ रही हूँ सबका इंतज़ार कर रही हूँ सब आ जाए फिर घर की तरफ निकले तो अभी गाइस शाम के बज चुके हैं 7:30 से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है 7:35 हो गया है और मंदिर की जो सजावट है जो लाइट्स लगी हुई है वो भी जल गई हैं तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस वो देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है भाई अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ चलो बाकी सारे लोग गाड़ी में पहुंच गए हैं और हम और सुशील यहीं टहल रहे हैं भाभी कहाँ हैं Oh,
गाइज अभी हम लोगों ने एंट्री कर ली है अपनी गली में और हम लोग अभी बस एक मिनट में पहुंच जाएंगे अपने घर। गाइज भाभी अपने घर में चली गई हैं, बाय। और मैं जा रही हूँ अपने घर। गाइज आ गई हूँ मैं अपने घर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खुल गया। चलो गाइज चलती हूँ मैं अंदर। तो गाइज अभी आ चुकी हूँ मैं अपने घर और टाइम हो चुका है 7:45। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे वापस आने में तो, बट गाइज सच में बहुत मज़ा आया यार आज सच्ची में। मतलब महादेव जी की जो आरती थी ना वो आज मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी। मतलब सोचो इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं और मुझे महाकालेश्वर की जो आरती थी ना वो आज पहली बार मिली उस मंदिर में। वरना मैं ना टाइम से जाती हूँ और हम लोग अगर शाम को जाते भी हैं ना तो फिर टाइम से वापस आ जाती हूँ, तो कभी हम लोगों को मतलब हम लोग एग्जैक्ट उस टाइम पे नहीं पहुँचे कि हमें आरती मिल जाए। बट गाइज आज तो मैं क्या कहते हैं धन्य हो गई, आज तो मुझे आरती मिल गई सच्ची में। मेरा मन इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। गाइज आपने देखा होगा ना वो डमरू की आवाज़, वो डम 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 कितना अमेजिंग था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था यार। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मतलब दूर दूर तक एक तो माहौल वो एकदम सुनसान सी जगह और भोले वहाँ बसे हुए हैं यमुना के किनारे, और फिर वो आरती बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी। मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो चलो अभी फ़िलहाल चेंज कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी डिनर कर लिया है मैंने और अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, तो अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए। मैंने सोचा व्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो गाइस उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइस टाइम दिखा देती हूँ मैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हो टाइम कितना ज़्यादा हो गया है, मतलब 11 बज चुके हैं रात के और अभी बस नींद आ रही है, क्या ही बताऊँ। तो चलो भाई सो जाती हूँ मैं और आपको कहती हूँ गुड नाइट। तो गाइस